नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश देव शर्मा। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के खास प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। जी हां, हिमाचल प्रदेश वैसे तो अपनी सुंदरता के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा मन मोहने वाली है कि जो भी वहां जाता है तो उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की सुंदरता से हटकर एक ऐसे महादेव के मंदिर के बारे में जहां पर आज भी अगर प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं तो वहां पर महादेव उनको शरण देते हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मंदिर है जहां महादेव प्रेमियों को शरण देते हैं। वो मंदिर है शंखचूल महादेव का। जी हां, आपको बताते चलें, 100 बीघा से ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो भी प्रेमी जोड़े अपने घर से भागकर अगर महादेव की शरण में आ जाते हैं तो उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक वो महादेव की शरण में रहते हैं तो खुद उनके माता पिता या उनके चाहने वाले या उनके अपने रिश्तेदार भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनकी वहां पर खातिरदारी होती है, सेवादारी होती है और महादेव की कृपा से वो अपने सारे कामों में सफल भी हो जाते हैं। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं आखिर इस मंदिर की पूरी कहानी क्या है और इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आज भी हिमाचल अपने दामन में हजारों रहस्य छुपाए हुए हैं। इस सुंदरता के साथ साथ यहाँ प्रथा और परंपराओं का भी अपना अलग चमत्कार है। आज हम आपको बता रहे हैं कुल्लू के शंघड़ गांव के देवता शंखचूल महादेव के बारे में, जो घर से भागे प्रेमी जोड़ों को शरण देते हैं। मान्यता है शंखचूल महादेव की सीमा में किसी भी जाति के प्रेमी युगल अगर पहुंच जाते हैं तो फिर जब तक वह इस मंदिर की सीमा में रहते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि प्रेमी युगल के परिजन भी उससे कुछ नहीं कह सकते। शंखचूल महादेव मंदिर का सीमा क्षेत्र करीब 100 बीघा मैदान का है। जैसा ही इस सीमा में कोई युगल पहुंचता है वैसे ही उसे देवता शरण में आया हुआ मान लिया जाता है। अपनी विरासत के नियमों का पालन कर रहे इस गांव में पुलिस के आने पर भी प्रतिबंध है। इसके साथ ही यहां शराब, सिगरेट और चमड़े का सामान लेकर आना भी मना है। ना कोई हथियार लेकर यहां प्रवेश कर सकता है तो ना ही किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा तथा ऊंची आवाज में यहाँ कोई बात तक नहीं करता है। यहाँ देवता का ही फैसला मान्य होता है। यहाँ भागकर आए प्रेमी युगल के मामले निपट ही नहीं जाते तब तक मंदिर के प्रेमी युगलों की खातिरदारी करते हैं। जी हाँ, उनकी मेहमानबाजी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि उनका इतने समय में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि देवों के देव महादेव की पूरी कृपा उनके ऊपर रहती है। मान्यता है गाँव में ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहां पर कुछ समय के लिए रुकने आए थे और उनके पीछे पीछे कौरव उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए थे। तब शंखचूल महादेव ने कौरवों को रोका था और कहा था कि ये मेरा क्षेत्र है, जो भी मेरी शरण में आएगा उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। महादेव के डर से कौरव यहां से वापस लौट गए थे और तभी से इस मंदिर का इतिहास आज तक कई बातों का गवाह होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खुद आए हुए युगल प्रेमी अगर यहाँ अपने परिवार के लोगों के साथ अगर बाद में भी आते हैं तो महादेव की पूजा पाठ काफी ज्यादा सच्चे मन से करते हैं। इसके चलते यहाँ महादेव को आज भी काफी सच्चे मन से पूजा जाता है और यहाँ भक्तों की भीड़ भी काफी ज्यादा उमड़ती है। मान्यता ये भी है कि भोलेनाथ के द्वार पर जो भी आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तो देखा आपने हमारी इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में कि हमने इस मंदिर का पूरा इतिहास आपको बताया, ये बिल्कुल सच्चाई भी है। ऐसे यहाँ हजारों लाखों की संख्या में और भी मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे भी आप जानते ही हैं कि महादेव यानी कि देवों के देव की महिमा भी अपरंपार होती है। इनकी महिमाओं का जिक्र भी आप काफी ज्यादा ग्रंथों में और काफी ज्यादा इतिहास में पढ़ सकते हैं और भोलेनाथ की शरण में जो भी जाता है भोले बाबा उसका उद्धार भी जरूर कर देते हैं। तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। नमस्कार।